भगवान ने जवान किया दी, कुछ भी बोल गए। लेकिन भगवान ने कान भी दिया है, कम से कम आपकी आवाज तो आपके कानों तक जाती है और आप सुन सकते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। लेकिन सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क शायद इन सब चीजों से वास्ता नहीं रखते हैं, तभी वो ऐसा कुछ बोल गए कि न केवल उन पर FIR दर्ज हुआ बल्कि पूरे देश की नजरों में गिर गए। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद अफरा तफरी मच गई है, वहाँ हर ओर तबाही का मंजर है। भारत की ओर से वहाँ मदद भी भेजी जा रही है, अफगान में फंसे लोगों को वहाँ से निकाल कर लाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबानी के कब्जे को लेकर न केवल तालिबान की शान में कसीदे पढ़े बल्कि तालिबानियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी। फिर क्या था, सब और उनकी थू थू होने लगी, फिर जाकर वो अपनी जबान से पलट गए। हिंदुस्तान की पॉलिसी तो उसमें मैं कोई राय नहीं, हाँ वो अपनी जगह पर जो है अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। जब हमारा मुल्क अंग्रेजों के कब्जे में था तो हाँ सारा मुल्क का बच्चा बच्चा मुल्क के साथ था और मुल्क की आज़ादी के लिए हम सब ने, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, छोटा था, बड़ा था, सरदार था या ST था, कोई भी था, तो सब मुल्क साथ था। आज हमने अपने मुल्क को आज़ाद करा लिया तो हमें खुशी। जब सपा सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, तब उन्होंने खुद को सरकार की पॉलिसियों के साथ बताया। वहीं अपनी कही बात से उठे मुद्दे पर पानी डालने की नीयत से केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी जताया। साथ ही यूपी में शहरों के बदले जा रहे नामों को लेकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कुछ भी है, ये जो BJP गवर्नमेंट चाहे मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन हम हैं अपने मुल्क के साथ। अपनी गलत बयानबाजी पर घिर चुके सपा सांसद शफीकुर रहमान अब अपना पाला बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके दिए हुए बयान ने ये साफ कर दिया है कि उनके दिल में क्या है। खैर, इस गलत बयानबाजी का खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही है, जिसका रास्ता कानून तय करेगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपुर TV चैनल से। साथ ही राजपुर TV चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।